उससे क्या होगा, क्या लॉस हो सकता है। अगर आपको जीवन में कभी भी फाइनेंस से कुछ भी लेना नहीं है तो भाई आप पेटीएम को ना दो तो कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हो सकता है। ना ही तो आपके घर में पुलिस वगैरह भेजेगा, ना ही तो आपके अगेंस्ट कुछ केस वगैरह करेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपका जो सिविल स्कोर है, सिविल डाटा आपका बिगड़ जाएगा दोस्तों, डाउन में डलवा देगा पेटीएम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको होम लोन चाहिए, बाइक लोन चाहिए, टू व्हीलर के लिए आप डाउन पेमेंट में लोन लेने जाओगे, कार लेने जाओगे दोस्तों, बिजनेस लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, कहीं पे भी आपको लोन नहीं देगा बिकॉज ऑफ योर सिविल स्कोर, ठीक है दोस्तों। पेटीएम में अगर आप लोन लेते हो तो उसको चुका दीजिएगा। पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को दबा लीजिए हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। उसके बाद वीडियो को एक लाइक कीजिए और दोस्तों वीडियो में एक कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड को लेकर आप लोगों में हो सकता है बहुत ज़्यादा भी कंफ्यूजन है। 60,000 रुपये तक पेटीएम देता है एडवांसली। यस दोस्तों, पेटीएम में अगर आपका KYC किया हुआ है तो वहाँ से आप पेटीएम पोस्टपेड में जाके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपको वहाँ पर लोन मिल जाता है। अगर आपको नहीं पता तो हमारी ये वाला वीडियो आप देख लीजिए आई बटन में क्लिक करते हुए, तो आपको पता चल जाएगा कि पेटीएम पोस्टपेड में कैसे हम लोन ले सकते हैं। यस दोस्तों, तो पेटीएम पोस्टपेड में आपको 500 रुपये भी मिल सकता है, 750 रुपये भी मिल सकता है, 3,000 रुपये भी मिल सकता है, 10,000 रुपये भी मिल सकता है। तो मेरी दिखा हुआ अभी तक किसी को 10,000 रुपये मिला नहीं। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम आपको 750 से लेकर 3,000 तक की लोन मिलता है और ये आप यूज़ कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, कुछ भी शॉपिंग पेटीएम मॉल से शॉपिंग कर सकते हो, तो ये सब पर्पज़ में टिकट बुक कर सकते हो, पेटीएम में जितनी भी फीचर्स है सर्विस का वो आप कर सकते हो, गैस बिल कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो। 750 रुपये देता है, 1 मंथ बाद आपका एक बिल रेडी हो जाता है दोस्तों। 750 रुपये आपका भी रिटर्न देना है दोस्तों यहाँ पर पेटीएम। ना ही तो आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज लगाता है, कुछ भी नहीं। बस अगर आपका जो बिल बनता है उस बिल का जो डेट है वो डेट अगर ओवरड्यू करते हो तो उस जगह पर दोस्तों आपको फाइन भरना हो सकता है। यस दोस्तों, फाइन भरना होगा दोस्तों। मान लीजिए आपने अभी पेटीएम से ले लिया पोस्टपेड के जरिए कुछ पैसा, 1,000 रुपये या 750 रुपये तो आपको दिया, तो दोस्तों अभी नेक्स्ट मंथ आपको चुकाना है, आपका बिल रेडी होगा, बिल जनरेट होगा और दोस्तों पेटीएम आपको बार बार मैसेज भेज रहा है आपके फ़ोन पे या आपको नोटिफिकेशन भेज रहा है कि इसको अभी आप क्लियर कर दो, ठीक है ना दोस्तों। तो ओवर ड्यू मत करो, इसको क्लियर कर दो, नहीं तो फाइन हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको बचना कैसे है दोस्तों, बहुत लोगों का सवाल है कि सर अगर पेटीएम को हमने पैसा रिटर्न ना दिए तो क्या हो सकता है। दोस्तों इससे पहले हमने बताया आपको, पेटीएम में अगर रिटर्न नहीं दोगे तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ठीक है। लेकिन इतना जो ये जो बहुत ही स्पेशल सर्विस पेटीएम ने रखा हम जैसे इंडियंस के लिए कि ज़रूरत पड़ने पे हम यूज़ कर सके उस पैसे को दोस्तों, ये बेसिकली उन लोगों के लिए नहीं है जो चुका नहीं सकते। ये उनकी जो प्लान है वो प्लान ये है कि जिनके पास पैसा है लेकिन टाइम पे पैसा नहीं है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, ज़रूरत पे वो रिचार्ज नहीं कर पा रहा है, ज़रूरत पे वो शॉपिंग नहीं कर पा रहा है, ज़रूरत पे वो टिकट बुक नहीं कर पा रहा है, तो वो ज़रूरत को पूरा कर लो, बाद में चुका दो, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, देखिए आपकी KYC में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब लिंक है, तो उससे क्या होगा, क्या लॉस हो सकता है। अगर आपको जीवन में कभी भी फाइनेंस से कुछ भी लेना नहीं है तो भाई आप पेटीएम को ना दो तो कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हो सकता है। ना ही तो आपके घर में पुलिस वगैरह भेजेगा, ना ही तो आपके अगेंस्ट कुछ केस वगैरह करेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपका जो सिविल स्कोर है, सिविल डाटा आपका बिगड़ जाएगा दोस्तों, डाउन में डलवा देगा पेटीएम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको होम लोन चाहिए, बाइक लोन चाहिए, टू व्हीलर के लिए आप डाउन पेमेंट में लोन लेने जाओगे, कार लेने जाओगे दोस्तों, बिजनेस लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, कहीं पे भी आपको लोन नहीं देगा बिकॉज ऑफ योर सिविल स्कोर, ठीक है दोस्तों। पेटीएम में अगर आप लोन लेते हो तो उसको चुका दीजिएगा। अभी मैं आपको और एक बताता हूँ, अगर आप चुका नहीं पाते हो टाइम पे, मान लीजिए आपने ये अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में आप पेटीएम से लिया तो मई में आपका बिल जनरेट होगा। मान लीजिए अप्रैल की आपने 5 तारीख पे लोन लिया तो मई में आपका बिल जनरेट होगा। तो दोस्तों मई में आपका आपके हाथ में पैसा नहीं है, तो दोस्तों आप चाहते हो कि ये जो मई है, मई में मैं नहीं दूंगा, अप्रैल में मैं जून में दूंगा, तो दोस्तों ये भी सुविधा है। लेकिन यहाँ पर 3% का आपको जो फाइन है वो लग जाएगा, जैसे कि मैंने भी लिया था। तो दोस्तों मैं जस्ट चेक करने के लिए वीडियो किस बेस पे बना रहा हूँ भाई, सच्चाई होगा तभी ना। तो दोस्तों मैं चेक करने के लिए, मेरा जो पेटीएम में 750 रुपये का ये था, तो दोस्तों इसको मैं फाइन भर दिया, जैसे कि 3% के हिसाब से 750, तो 22 रुपये समथिंग कुछ मैंने फाइन भर दिया। तो दोस्तों ये एक्सटेंड हो गया 1 मंथ के लिए, मतलब मेरा फिर से बिल जनरेट होगा नेक्स्ट मंथ, ठीक है। इस मंथ मैं 30 दिन के लिए फिर से आराम से बैठ सकता हूँ, अभी पेटीएम से कोई मैसेज नहीं आएगा क्योंकि पेटीएम
अभी मुझे तंग नहीं करेगा क्योंकि मैंने 22 रुपये का फाइन दे दिया, 3% होता है वो फाइन मैंने दे दिया। तो दोस्तों अगर आपने पेटीएम से लिया लोन और आपको लग रहा है कि यार बार बार मैसेज आ रहा है, नोटिफिकेशन भेज रहा है पेटीएम, तो दोस्तों क्या करूँ, कैसे बचा जा सकता है, नेक्स्ट मंथ तो मैं दे दूंगा लेकिन इस मंथ नहीं हो रहा है मुझसे, तो दोस्तों आप भी जाइए वहाँ पर फाइन भर दीजिए 22 रुपये, ठीक है। तो हो सकता है जितना भी आपका अमाउंट है उस हिसाब से 3% का लेगा, तो 3% के हिसाब से वो 23 रुपये ही होता है, तो वो फाइन आप भर दीजिएगा, देखिए आपका टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ आपका बिल जनरेट होगा। तो दोस्तों यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना था, आप तक पहुंचाना था, और अगर आपको अभी भी ये पता नहीं चला था कि पेटीएम से भी आप 60,000 रुपये तक का पोस्टपेड लोन ले सकते हो, ये दोस्तों ये लोन किस लिए बोल रहा है भाई, आपको यूज़ करने के लिए दे रहा है, लेकिन ये पैसा आप बैंक में नहीं ले सकते हो, ये पैसा आपको क्या करना है, ये पैसे से आपको सर्विसेज में लगाना है, ठीक है ना, जो भी जितनी भी सर्विसेज है पेटीएम में, चाहे गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी और जितनी भी चीज़ें है, पेटीएम मॉल है, वहाँ पे कुछ भी खरीदना, तो वहाँ का आपको पेमेंट गेटवे मिल जाता है पेटीएम पोस्टपेड का। तो दोस्तों धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो से मैं आपको जानकारी दे पाया हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं लाता रहता हूँ आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ जिससे आपको मदद मिलेगा। दोस्तों मैं बहुत ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने हमारे चैनल के साथ सपोर्ट किया, क्योंकि 3 दिन पहले हमने 10,000 की आंकड़ा पूरा कर लिया था, माइलस्टोन पूरा कर लिया था, अभी हमने 12,000 क्रॉस कर लिया, तो दोस्तों इससे हमारा आप लोगों का प्यार दिखता है। दोस्तों धन्यवाद ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे ही हमारे चैनल पे 50,000 का सब्सक्राइबर आंकड़ा माइलस्टोन पूरा कर लेगा, तो दोस्तों मैं एक मुहिम पे काम करूँगा, जैसे कि मैं फाइनेंस लोन रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ, तो दोस्तों मैं ये डिसीजन लिया हूँ कि जितनी भी बैंक्स हमारे भारत में हैं, वो बैंक्स में जो भी मैनेजर है, जो भी लोन सैंक्शन करवाता है, मान लीजिए आपकी खाता है उस बैंक में, आप चाहते हो उस बैंक में हमें लोन मिल जाए, तो दोस्तों मैनेजर के साथ पूरा एकदम एक वीडियोस आएगा जहां पर वो क्लियर करेगा मैनेजर, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हमारा आता रहेगा 50,000 सब्सक्राइबर के बाद, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा ताकि हम 50,000 के आंकड़ा पूरा कर लें, और ये जो मुहिम है इस पर हम काम पर उतरे। धन्यवाद दोस्तों।